वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था उसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले पाली, उसके पश्चात प्राकृत, उसके पश्चात अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। अगला क्वेश्चन है दो, इसमें पूछा गया है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो जो भारतीय आर्य भाषा है इसके विकास के चरण होंगे तीन। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके पश्चात मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, और जो तीसरा होगा तो ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा गया है तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, राजशेखर। अगला क्वेश्चन है चार, इसमें पूछा गया है प्रकृतः संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतः, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ये कथन हो जाएगा विकल्प डी, हेमचंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है गौड़ बहो किसकी रचना है? तो जो रचना है गौड़ बहो, तो ये रचना हो जाएगी आपकी विकल्प ए, बागपति राज की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये है छः, इसमें पूछा गया है प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो जो प्राकृत प्रकाश रचना है ये हो जाएगी आपकी बरुचि की। छः का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सात, इसमें पूछा गया है प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अभट कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सात का तो ये हो जाएगा तीन, तृतीय। तो जो प्राकृत की तृतीय अवस्था है उसे अपभ्रंश या अभट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आठ, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो जो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था तो ये किया गया था विकल्प डी, पतंजलि के द्वारा। आठ का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौ, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? तो यहाँ पर जो नौ का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यह है दस, इसमें पूछा गया है बियाड़ी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो दस का सही विकल्प हो जाएगा पी, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्यारह, अपभ्रंश शब्द है, तो जो अपभ्रंश शब्द है यह तत्सम शब्द है, यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बारह, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो जो तद्भव शब्द नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अपभ्रष्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है तेरह, इसमें पूछा गया है भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है विकल्प सी, छठी शती में। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है पंद्रह, इसमें पूछा गया है बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो जो बांग्ला का विकास अपभ्रंश के मागधी रूप से हुआ है, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, इसमें पूछा गया है पाहुण दोहा के रचनाकार कौन है? तो जो पाहुण दोहा के रचनाकार होंगे तो यह हो जाएगा विकल्प बी, मुनि राम सिंह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17, इसमें पूछा गया है दोहाकोश के रचयिता कौन है? तो जो दोहाकोश के रचयिता हो जाएंगे तो ये होंगे विकल्प सी, सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है 18, चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जो चरित काव्य सर्वाधिक रचे गए हैं ये आपके जैन साहित्य में रचे गए हैं, यहाँ पर 18 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, अशोक के समय में राजभाषा थी, तो जो राजा अशोक थे इनके समय में जो राजभाषा थी यह पाली हो जाएगी, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है 20, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम रहेगा तो ये हो जाएगी अभट, सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था? तो जो पुरानी हिंदी नामकरण दिया गया था तो ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया था, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, इसमें पूछा गया है संदेश राशक किसकी रचना है? तो जो रचना है संदेश राशक तो ये हो जाएगी आपकी विकल्प बी, अब्दुल
तो जो संदेश राशक रचना हो जाएगी यह अधमानकी हो जाएगी। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था विकल्प सी, हेमचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 24, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो जो अपभ्रंश भाषा थी इसमें कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 10। तो 24 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 25, इसमें पूछा गया है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो ये होता है इतिहास। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, इसमें पूछा गया है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो जो पुष्पदंत थे तो ये हो जाएंगे आपके 10वीं शताब्दी के कवि। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया है पौमचर्यु किसकी रचना है। महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, तो ये हो जाएगी विकल्प डी, स्वयंभू की। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था। तो ये हुआ था खस से। सही विकल्प यहाँ पर 28 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है। तो जो रचना है प्राकृत सर्वस्व, इसमें अपभ्रंश के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। और कौन कौन सी हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो प्राकृत सर्वस्व है किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी आपकी मार्कंडेय की रचना। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, अवहंस। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो 31 का सही विकल्प यहां पर डी हो जाएगा, अवहट। अगला क्वेश्चन है 32, स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। तो ये किया था अवहत। 32 का सही विकल्प यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो यह सूची ए है, यहाँ पर रचनाएं दी गई है और सूची दो में रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो जो पहली रचना है करकंड चर्यु, तो इसके जो रचनाकार होंगे विकल्प डी, रहिदू। उसके पश्चात जो आदि पुराण है इसके रचनाकार हो जाएंगे पुष्पदंत। फिर है जम्बू स्वामी रासा, इसके रचनाकार हो जाएंगे धर्मसूरी। फिर है भविष्यत कहा, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प ए, धनपाल। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कूट होता है तो ये हो जाएगा विकल्प सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, चंड के द्वारा। 36 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 37, अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है विकल्प सी, हेमचंद्र। तो ये अपभ्रंश के सबसे बड़े व्याकरण आचार्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रष्ट। 38 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देशभाषा माना है। तो जो 39 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएंगे विकल्प ए, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के द्वारा अपभ्रंश को देशभाषा माना गया था। अगला क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देशभाषा नहीं माना है। तो यहाँ पर जो 40 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, याकूबी के द्वारा। जो याकूबी थे इन्होंने अपभ्रंश को देशभाषा नहीं माना है और ग्रियर्सन ने माना है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। तो जो अपभ्रंश का संबंध आभीरों और गुर्जरों से माना है तो ये हो जाएंगे यहाँ पर
डॉक्टर कीथ। सही विकल्प 41 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो कुवलयमाला कहा रचना होगी तो ये हो जाएगी आपकी उद्येतन सूरी की। इसके पश्चात जो महापुराण रचना होगी तो ये हो जाएगी पुष्पदंत की। फिर होंगे पौमचर्यु, इसके रचनाकार हो जाएंगे स्वयंभू। फिर है संदेश राशक, इसके रचनाकार हो जाएंगे अधर्माण। तो सही कूट यहाँ पर डी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इन कवियों का कालक्रम भी बता देता हूँ। तो जो स्वयंभू थे इनका कालक्रम माना जाता है 8वीं शती को। फिर आएंगे उद्यतन, इनका समय माना जाता है 9वीं शती। फिर आएंगे पुष्पदंत, इनकी समय सीमा आ जाती है 10वीं शती। जो अधर्माण थे इनका समय सीमा आ जाती है 12वीं शती। तो इस प्रकार आप इनका कालक्रम के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये है 43। इसमें पूछा गया है, मध्यदेशीय या शौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है। तो ये हो जाएगी विकल्प ए, परिनिष्ठित भाषा। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। जो मध्यदेशीय या शौर सैनी अपभ्रंश थी उसे उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना जाता था। अगला क्वेश्चन है 44। इसमें पूछा गया है, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से किसे माना जाता है। तो ये थे विकल्प बी, डॉक्टर रिचर्ड पीशेल। तो 44 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। जो डॉक्टर रिचर्ड पीशेल थे ये अपभ्रंश साहित्य के पहले संपादक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है 45। इसमें पूछा गया है, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया था। तो जो धनपाल कृत भविष्यत कहा रचना है इसके संपादक हो जाएंगे विकल्प सी, डॉक्टर याकूबी। 45 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। इसमें पूछा गया है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। तो दोस्तों ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी, धनपालकृत भविष्यत कहा। अगला क्वेश्चन है 47। इसमें पूछा गया है जो 47 प्रश्न, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था विकल्प ए, हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। 47 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कहीं पर नोट कीजिएगा। वैसे तो सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है पर उनमें से भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 48। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, 63 महापुराण गुणालंकार। इसे महापुराण भी कहा जाता है और इसके रचनाकार थे पुष्पदंत और इनका समय है 10वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है 49। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो जो अपभ्रंश के वाल्मीकि थे तो ये थे स्वयंभू। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा 49 का। अगला क्वेश्चन है 50। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा था। तो जो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर जो 50 का सही विकल्प हो जाएगा तो हो गए विकल्प डी, डॉक्टर बिहाणी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग जो वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।